अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इकराम रसूल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जी आर स्टेज। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स के जो है वो व्यूज़ कम आते हैं। अब उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं लेकिन उनके व्यूज़ 50K के करीब आते हैं। अब वो क्यों? अब यार होता कुछ नहीं है, वो कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनके व्यूज़ कम होते जाते हैं। वो गलतियाँ कौन सी है मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये गलतियां आप कभी मत करिएगा वरना आपके भी आहिस्ता आहिस्ता व्यूज कम होने लगेंगे। तो यार इस वीडियो को भी एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये गलतियां मालूम हो सके और आप अपने व्यूज को कम ना कर सकें और उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पर नहीं वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास ही में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर पहली गलती की तरफ। अब यार नंबर पहली गलती सबसे बड़े यूट्यूबर्स की ये होती है, जब भी वो लोग बड़े यूट्यूबर्स हो जाते हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार हम के व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उस पर व्यूज़ आएंगे। लेकिन वो नहीं सोचते कि यार कॉन्टेंट अपना अच्छा होना चाहिए और वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपके व्यूज़ आते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर कंटेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, जाकर गेम्स खेलने शुरू कर देते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि बड़े यूट्यूबर जो है वो गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा खेलना शुरू कर देते हैं जब उनकी वीडियोस वायरल होती हैं या फिर उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मिलियन में होते हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, अपने वीडियो और अपने कॉन्टेंट अपने चैनल पर ध्यान ही नहीं देते। बाद में उनका जो है कॉन्टेंट अच्छा नहीं बनता, फिर वो तो अपलोड करते हैं लेकिन उनका कॉन्टेंट अच्छा नहीं होता, ऑडियंस को वो पसंद कम आता है, वो आता ही नहीं है पसंद, तो फिर उसको ऑडियंस देखती नहीं, फिर वो उसके आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ भी कम होते जाते हैं, लोग उसे अनसब्सक्राइब करके अब जा चुके होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में मसरूफ़ हो जाता है। तो खेलें सही, मैं ये नहीं कह रहा कि गेम्स ना खेलें। अगर दोस्तों आप यूट्यूब पर आते हैं, अगर आपकी वीडियो वायरल होती हैं तो अपने कॉन्टेंट पर ध्यान दें, क्योंकि अब आपकी वीडियो वायरल हुई है तो अब आपने उससे भी ज़्यादा अच्छा अपना कॉन्टेंट बनाना है ताकि लोगों को वो ज़्यादा पसंद आए। अनसब्सक्राइब करने के बजाय वो सब्सक्राइब करके आपकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि गेम्स इतनी ना खेलें जब भी आपकी वीडियोस वायरल होती हैं या फिर आप फेमस होते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स आपके होते हैं, तो फिर ऐसा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा गेम पर ध्यान ना दें। हाँ, खेलें, फ्री टाइम मिलता है तो खेलें वरना ना खेलें। बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर दूसरी गलती की तरफ। अब दूसरी गलती बड़े यूट्यूबर्स की अक्सर ये होती है, वो क्या कहते हैं कि बड़े यूट्यूबर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि यार वो कहते हैं कि हमें जो है अपने चैनल पर स्पॉन्सरशिप करनी चाहिए क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अब व्यूज़ आने की वजह क्या है कि उनका कंटेंट और वीडियो अच्छा होता है। अब वो क्या कहते हैं कि यार अपने चैनल पर स्पॉन्सरशिप करनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने चैनल पर स्पॉन्सरशिप ना करिए, करिए लेकिन इतनी ज़्यादा ना करिए कि आप कोई वही स्पॉन्सरशिप नुकसान पहुँचा सके। या दोस्तों, बड़े यूट्यूबर्स ऐसा ही करते हैं, अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करना शुरू कर देते हैं, जैसे ऐसे समझे कि उन्होंने चैनल ही स्पॉन्सरशिप के लिए बनाया है। फिर वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करने के लिए उनके व्यूज़ कम होते जाते हैं क्योंकि वो आप खुद ही समझ गए होंगे कि अपने कंटेंट और वीडियो पर ध्यान नहीं देते, उनका कंटेंट अच्छा नहीं बनता, लोगों को पसंद नहीं आता, फिर लोग उनको अनसब्सक्राइब करते हैं, बाद में उनके वीडियोज़ भी नहीं देखते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अपने चैनल पर स्पॉन्सरशिप मत करिए। दोस्तों, करिए, इसको आपका ही फायदा होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा ना करिए कि यही स्पॉन्सरशिप आपको चैनल को नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों, यही थी दो बड़ी गलतियां जो मैंने आपको बताई जिनसे बड़े यूट्यूबर्स के व्यूज़ कम होते जाते हैं। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है तो आप भी ऐसी गलती मत करिएगा, या फिर आपकी वीडियोज़ वायरल होती हैं तो आप भी ऐसी गलती मत करिएगा। दोस्तों, अगर आप YouTube पर आना चाहते हैं तो इन गलतियों का ख्याल रखिएगा और इन गलतियों से जो है वो आप परहेज करिएगा, क्योंकि यार ये जो है कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपके चैनल के लिए ये एक बीमारी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन गलतियों से परहेज रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक का बटन होगा उसे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और पास में बेल आइकन का ऑप्शन होगा उसे क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंच सकें। तो यार मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए, मेरे आईडी नेम है गुलाम रसूल 786।
मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप डायरेक्ट जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।